A very good morning to one and all present here. Dear teachers and my dear students of class 12 as well as class 11 who have organized this table party for their seniors. I can see all of your faces so smiling. You are happy that you have got farewell. And 11th class is happy that they have organized a program, the very first program in these 2 years. So that feeling is there with you. But I missed something. कुछ मैंने मिस किया इस पार्टी में, इस फेयरवेल पार्टी में. और बोलना इसलिए जरूरी है कि लाइफ में ये चीजें बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आउटगोइंग क्लास के लिए, बल्कि जो 11th क्लास है जो नेक्स्ट ईयर पार्टी देगी, नेक्स्ट ईयर हमसे जुदा होगी, आगे हायर स्टडीज के लिए जाएगी, उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है. क्या जरूरी है? इतने सारे बच्चे आए यहाँ बोलने के लिए, इतने सारे प्रोग्राम्स किए, सिर्फ बदमाशियां दिखी. आपने क्या हो हल्ला किया है स्कूल में ये दिखा. आपने ये नहीं दिखाया कि आपने क्या क्या गेन किया है पढ़ाई में, कोकरिकुलर एक्टिविटीज में, एनसीसी में, स्काउट गाइड में, साइंस एक्टिविटीज में, बाहर आपको इतने बार ले जाया गया, स्पोर्ट्स में आपको इतना ले जाया गया. अरे क्या ये सब रिकॉल नहीं कर पाए आप लोग इतने दिनों में, या 2 साल का गैप आपको सब भुला दिया है? मैं जवाब चाहूंगी आपसे, क्या आपने बच्चों ने ये रिकॉल नहीं किया, किया या नहीं किया? अब याद आ रहा है या याद करने की कोशिश करिए. सिर्फ बदमाशी करने का मौका नहीं मिला आपको. दिस वॉज ए प्लेटफॉर्म. और आप बोल रहे हो केवीएस इज ए ब्रांड. We all feel happy, privileged to be a part of KVS. Whenever we talk about our institution, our organization, हमको समझ में आना चाहिए कि, और बाकियों को भी ये बात समझ में आना चाहिए कि इसमें और कितनी अच्छाइयां हैं, क्या क्या सिखाया है इन 12 सालों में. चाहे वो एक प्राइमरी का टीचर हो, चाहे सेकेंडरी का हो, चाहे मिसलेनियस टीचर्स हो, मे बी योर SUPW टीचर, मे बी योर ड्राइंग टीचर, मे बी योर स्पोर्ट्स टीचर, कोई भी है, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मेमोरीज में होंगी. चाहे वो डांट के थ्रू आपको सिखाया हो, चाहे प्यार से सिखाया हो, चाहे एग्जाम हॉल में आपके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो, चाहे प्लेग्राउंड में जाने से मना किया हो या फिर परमिशन दिया हो. जब हम रिकॉल करने बैठेंगे, अगर आज आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप इस स्कूल से जाएंगे, और व्हेन यू कम बैक, व्हेन आई सी माय स्टूडेंट्स कमिंग बैक आफ्टर पासिंग क्लास 12, दे विजिट द स्कूल्स, तब वो एक एक क्लास, एक एक टीचर से मिलना चाहते हैं, और वो छोटी छोटी सी बातें याद करना चाहते हैं जो उनकी मेमोरीज में है. तो हम सब वेट कर रहे थे. आई थिंक टीचर्स वी वर वेटिंग फॉर ऑल दिस. वेट कर रहे थे टीचर्स, कर रहे थे कि बच्चे वो कुछ तो शेयर करें जो हमने इनके साथ अच्छा भी किया है. सो प्लीज रिमेम्बर क्लास 11th स्टूडेंट्स ऑल्सो, ये एक इवेंट होता है जिसमें हम थोड़े से समय में एक निचोड़ अपना प्रस्तुत करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं वो थैंकफुलनेस. You are thankful, I do know that. 12 साल अगर आप केवी में रहे हैं तो हमने आपके अंदर वो चीज इंकल्केट की है, बट उसको एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए आपको. एंड जब ऐसा कुछ मौका मिले तो एक्सप्रेस जरूर करिए. इट्स नॉट ओनली that this platform, this KV, this Kendriya Vidyalaya or other KVs or other schools where you have studied, they provided you a platform for sitting together, howling together, but you all practiced together in different events. You all sat together to study. You all helped each other in studies. आप अगर आप flashback में जाओगे तो आपको याद आएगा, यार मैंने तो, मुझे मौका मिला था, मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था, मुझे इस ग्रुप का हेड बनाया गया था, मैंने इस बच्चे की कॉपी कंप्लीट करवाई थी. और ये सिर्फ केवी में ही होता है. कोई बदमाश बच्चे को भी मॉनिटर बना दिया जाता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये बदमाश बच्चा
जब खुद कंट्रोल में होगा और दूसरों को कंट्रोल करना होगा तो इसे पता है कहां कहां बच्चे बदमाशियां करेंगे एंड ही और शी विल बी एबल टू कंट्रोल द क्लास मोर एफिशिएंटली देन द अदर्स. द टीचर्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम यू एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, आप जहां भी जाएंगे, चाहे वो एयरपोर्ट चले जाओ, चाहे कलेक्टिव ऑफिस चले जाओ, IAS, IFS, और यू गो इन डिफरेंट POCs, यू विल गेट द पर्संस, द डिग्निटरीज हु हैव पास्ड फ्रॉम डिफरेंट किंग्स. अभी आपने रिसेंटली एक पर्सन का नाम पढ़ा होगा जो प्राइमरी एजुकेशन केवी से लिया है. किसने किसने पढ़ा है, न्यूज़पेपर में आया था, बहुत सारे आते रहते हैं. अभी रिसेंट की बात कर रही हूं. जब हम ये पढ़ते हैं तब हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कराते हैं. हम तो चाहते हैं हमारा हर बच्चा उस पोजीशन पे पहुंचे कि हमको सर ऊंचा करके उन बच्चों को देखना पड़े, उन बच्चों को देखना पड़े. वी मस्ट बी प्राउड. पर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस बच्चे का चाहे जहां भी पहुंच जाए, जिस तरह वो अपने पेरेंट की रेस्पेक्ट करे, उसी तरह अपने टीचर्स की भी रेस्पेक्ट करे, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाए. किसी को याद नहीं आया, किसी ने पेपर नहीं पढ़ा है? या वेरी गुड. कहां, कौन सी पोजीशन में? आर्मी का है ना बेटा. अभी जस्ट रिसेंट अभी न्यूज पेपर में आया था, BSN नागपुर से वो उसके स्टूडेंट थे. तो जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो ये नहीं लगता कि ही वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम BSN नागपुर KV. अरे वो KVN है जो हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच जा रहा है. तो यू कैन बी वन ऑफ देम. एज KVN यू शुड फील प्राउड एंड यू शुड मेक अस प्राउड कि हमारा भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है. बीइंग KVN, जब हम आगे बढ़े, यू आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत की जो बागडोर है आगे चल के आप ही के हाथों में होगी, चाहे उसकी इकोनॉमी की हो, चाहे डेवलपमेंट की हो, सोशलाइजेशन की हो, जिसकी भी हो. तो यू मस्ट प्ले योर ऑन पार्ट. आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसीलिए आप बाकी स्कूल से आए बच्चों से पूछ लीजिए जो हमारे स्कूल में 11th या 12th में एडमिशन लेते हैं, या बाकी अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए कि जितनी अपॉर्चुनिटीज, जितना प्यार आपको KV में मिलता है उतना शायद ही किसी स्कूल में मिलता होगा. वी हैव गॉट ए हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास बट वी ट्रीट ईच और एवरी चाइल्ड ऑफ आवर्स एज इक्वल. हम आपकी प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स तक पहुंचने से पहले भी समझ जाते हैं. ये अटैचमेंट होता है टीचर और स्टूडेंट का, होता है. आप में से कितने ही लोग ये ऑब्जर्व किए अपनी लाइफ में कि यार हमको हमारे दोस्तों से पहले या हमारे मम्मी पापा को बताने से पहले हमारे टीचर्स को हमारी प्रॉब्लम पता चल गई, हमारा सूजा हुआ चेहरा या हमारे आंखों को, हमारे चेहरे को पढ़कर हमारे टीचर्स ने हमसे पूछ लिया, किसी टीचर ने पूछ लिया कोई परेशानी तो नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी से लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने ऑब्जर्व किया 12th वालों ने, किसी ने नहीं किया? किया. चश्मा लगाने से चेहरा नहीं हो जाता, चश्मा हटा के बात करो. यू आर ऑल लुकिंग गुड, यू आर ऑल लुकिंग स्मार्ट, लवली. हर बच्चे अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, हर बच्चा सुंदर लगता है, हर बच्चा प्यारा होता है. हम लोगों के लिए भी आप वैसे ही हैं. आवर लव फॉर यू विल ऑलवेज बी देयर, बट एज ए पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पार्ट ऑफ दिस विद्यालय, वी ऑल वॉन्ट यू टू बी डिसिप्लिन एंड स्प्रेड दिस स्पिरिट वेर एवर यू गो. डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, मैनरिज्म, वैल्यूज, जहां भी आप जाए ये बोले. आपके सर्टिफिकेट्स तो बोलेंगे जो आप प्राप्त करोगे आज, 12th में पास करोगे, उसके बाद आप कोई लाइन चुनोगे, मे बी इंजीनियरिंग, मे बी मेडिकल, CA, CS और सम अदर लाइन. आप तो इतने फील्ड्स छोड़ गए, यू विल बी रीच इन डिफरेंट फील्ड्स, हेड्स बनोगे कहीं. बट जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बोलेगी आपके चेहरे से, आपका वो होगा एटीट्यूड, आपकी वैल्यूज, हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ योर जूनियर्स, हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स, हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट्स. सिरसा ने बहुत अच्छी बात बोली और ये आप रोज पढ़ोगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अगर सब पढ़ोगे, रोज ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं. अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से ही खत्म.
भाई बहनों से ही खत्म हो जा रहा है। हम तो आपको एक साथ मिलकर रहना सिखा रहे हैं, तो वो इमोशंस प्लीज मत खत्म करिए। अगर कहीं खत्म हो रहा है, वापस उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करिए। वो इमोशंस बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है अगर आप हमसे या अपने पेरेंट्स से या घर में बड़ों से अगर आप बात करेंगे, इन 2 सालों में हम में से भी जो कुछ थोड़ा थोड़ा सा हट गए थे ना, उनको भी समझ में आ रहा है आज पैसे से ज्यादा हमको जरूरत है अपनों की, अपनत्व की, कोई प्यार से बोले उसकी। सो यू मस्ट हैव दैट इमोशन, यू मस्ट हैव दैट फीलिंग, यू मस्ट हैव दैट अटैचमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड सिंस यू विल बी गोइंग टू अ डिफरेंट एरिया, अब आप कॉलेज में जाएंगे जहां आपके पास बंदिशें और भी कम हो जाएंगी, टोकने वाले बहुत कम हो जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। यहां तो टोकते थे, आपको गुस्सा भी आता था, है ना, फिर चिल्लाते थे किसी पेरेंट पे, टीचर पे चिल्ला रहे हैं, कभी पेरेंट के पास गलत जाके बोल रहे हैं, कभी किसी और के बारे में गलत बोल रहे हैं, वहां आप पर कोई नहीं टोकेगा। जनरली विल फाइंड सच इंस्टीट्यूशंस वेयर देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस। आ रहे हो आओ, नहीं आ रहे हो उन्हें मत आओ, पढ़ रहे हो पढ़ो, मत पढ़ो। मोस्ट ऑफ देम यू विल हैव टू गिव द फीस, देन यू विल हैव टू डू द वर्क बाय योरसेल्फ। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, पर क्योंकि आपने ये डेवलप किया है अपने स्कूल में, सो इट मस्ट बी देयर इन योर हैबिट। आप जहां भी जाए केवी का पंचम ही लहराए, और ऐसी कोई चीज मत करिए जिससे आपकी बदनामी हो, हमारी बदनामी हो, आपके पेरेंट्स की बदनामी हो, केवीएस की बदनामी हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। यू विल ऑल फॉलो व्हाट आई विश, व्हाट वी ऑल विश, इट इज नॉट माय विश। हम सब यही विश करते हैं, हम सब यही चाहते हैं, जो आपके टीचर जो आप इस तरफ है आज, हम सब यही चाहते हैं। तो आप करेंगे हमारी बात को फॉलो, और कुछ नहीं मांगते हम लोग। हम मांगते हैं कि आप अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपको या हमको शर्मिंदगी महसूस हो। सो विल यू बी एबल टू? ओके, थैंक यू। वन थिंग यू नीड टू डू इज, अभी वी वर ऑब्जर्विंग यू थ्रू आउट दीज प्री बोर्ड्स, लेट पहुंच रहे हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं पहुंच रहे। दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑफिशियली, और बहुत जरूरी है आपको ये इंस्ट्रक्शंस भी देना। प्लीज रीच बिफोर टाइम, नॉट ऑन टाइम, प्लीज रीच बिफोर टाइम, वेल प्रिपेयर। एडमिट कार्ड, आई कार्ड, बाकी सब सामान पहले से ही तैयार रखिए। अपने पेरेंट्स को बोलिए, मैडम का और स्कूल का कहना है कीप 5 days फॉर अस, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन आवर ऑन व्हीकल, आप हमको ड्रॉप करिए या ऑटो से पहुंचाइए। आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, आप दौड़ते भागते जाएंगे अगर कुछ हो जाता है या कहीं गाड़ी पंक्चर हो जाती है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज। सो 5 दिन की बात है, 5 पेपर्स है, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है करना, और साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया होगा, हम बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बट नाउ दिस 1 month इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। So please get up early in the morning. You have to develop this habit not only for today or for this month, but for the whole night that I have been telling you. तो जल्दी उठिए, कम से कम अभी तो शुरू कर दीजिए। जल्दी उठिए, पढ़िए, टाइम टेबल के अनुसार काम करिए। अपने थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए भी आप टाइम रखिए, बट वो टाइम रखिए, जनरली दोपहर को हम सोने की कोशिश करते, खाना खा लेते, तो दैट टाइम यू कैन टेक रेस्ट। डू नॉट बी एडिक्टेड टू द मोबाइल, थोड़े समय मोबाइल को दूर रखिए। फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और पता नहीं कितने सारे ऐप्स हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं, 1 महीने के लिए दूर रखेंगे तो आपके रिजल्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, कोशिश करिए, और ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है, मोबाइल को दूर रखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दूर रखेंगे तभी आप किताब कॉपियों के पास आ पाएंगे। Keep all things ready before the examination day. यानी एक दिन पहले ही आप सारा कुछ तैयार रखेंगे। कोई फोन नहीं करेगा कि आज हम एडमिट कार्ड भूल गए और जाके हमारे स्कूल से एक और एडमिट कार्ड ले आओ, ये बताता है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। एंड सिंस वी हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सीबीएसई, यू मस्ट हैव द आई कार्ड ऑल्सो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट।
You must take your ID cards, you must get your audios, you must take your admit cards, you must take all other things with you. Go in proper uniform. कोई भी वहां आपको डांटेगा ना आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा. है ना. समटाइम्स वी रिसीव कॉल फ्रॉम योर एग्जाम सेंटर दैट द स्टूडेंट हैज नॉट रीच्ड ऑन टाइम और स्टूडेंट इज नॉट बिहेविंग वेल. आपका भी दिमाग खराब होगा हम भी यहाँ पे परेशान होंगे. प्लीज डू नॉट क्रिएट सच सिचुएशंस. बी गुड स्टूडेंट्स. प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स. इफ यू हैव गॉट डाउट्स योर टीचर्स आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस. एटलीस्ट फॉर द रेमेडियल क्लासेस द स्टूडेंट्स नीड टू कम. ठीक है. अब भी समय है. अगर अभी आप मेहनत कर लेंगे तो जिन बच्चों को जरूरत है टीचर्स तो खड़े हैं आपके क्लासेस लेने के लिए. जिनको कम जरूरत है उनकी ऑनलाइन क्लासेस ले ली जाएंगी और जिनको जरूरत है उनको जो गैप्स के दौरान यहाँ बुलाया जाएगा. प्लीज डू कम. इट इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट. हम ऑर्डर भी कर सकते हैं. है ना. हमारे पास बहुत से औजार है जिसको हम उपयोग करके आपको बुला सकते हैं. पर जब वॉलेंटियरली आएंगे तब आप मन से पढ़ेंगे. जब आपको यह एहसास होगा कि ये समय हमारे लिए कितना जरूरी है तभी आप समय पर आएंगे और समय पर काम कर पाएंगे और तभी टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा. सो प्लीज डू कम. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टिल योर एग्जाम्स आर ओवर. और जो स्कूल से अटैचमेंट है इसको बरकरार रखिए. सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. डू गुड. We are expecting a very good result from all of you. But for that you must also be prepared well. गर्मी है ये बात ध्यान रखिए. इस बार एग्जाम सारी गर्मियों में हो रहे हैं. बहुत है ना. तो खाना कम खाना. वैसे ही कम खाती है लड़कियां है ना. तो कम खाना का मतलब दही खाना नहीं होता है. यू मस्ट नॉट टेक हैवी फूड की यानी बीमार पड़ने का आपके पास स्कोप नहीं है. बाहर घूमने मत जाइए. केसेस कभी भी राइज हो सकते हैं. तो पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन योरसेल्फ. सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन दैट यू कैन प्रैक्टिस. नो वन कैन एनफोर्स डिसिप्लिन ऑन यू. इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन इफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ यू विल श्योरली फॉलो इट. सो प्लीज डू दैट. विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. And I wish that when you come for the results, when the result is declared, we must be happy to announce that we have got a 100% qualitative result. But that depends on you. So you need to work hard to make this possible. Again, all the best from all of us. Thank you.